आपके जीवन में जब सफलता की ऊंचाइयां आपको खाने लगे, आपके अंदर वो इतना अहम अहंकार पैदा कर दे कि धीरे धीरे वो आपको ख़त्म करने लगे, तो ऐसे हालत में एक दो कदम पीछे आने में कोई बुराई नहीं है। हर एक के जीवन में कभी न कभी ये फेज़ या ये परिस्थिति ज़रूर आती है जब वो अपनी ही सफलताओं से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि उसमें उन्माद का भाव आ जाता है, घमंड का भाव आ जाता है और फिर गलत प्रवृत्तियाँ, गलत आदतें उसके अंदर पनपने लगती है। मैंने अपने जीवन में अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जो सफलता की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं और फिर उस सफलता के भाव से जो उनके अंदर अहम अहंकार पैदा होता है वो उनको इस तरीके से मिट्टी में मिला देता है कि उनका नामो निशान तक मिट जाता है। कई ऐसे भी लोग देखे हैं जिनमें जीने की चाह ही ख़त्म हो जाती है और वो फिर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसी जब भी कोई परिस्थिति आपके जीवन में आए तो इतना बात आप जरूर याद रखना कि जितना ज़्यादा विफलता इंसान को नहीं खटकता है उससे कहीं ज़्यादा सफलता खटकती है। कभी कभी दूसरे की निगाह में आपकी सफलता खटकती है और वो फिर वैसी प्रवृत्ति आपके अंदर ला देते हैं कि वो सफलता आपके ऊपर हावी होने लगती है। तो ऐसे में संतुलन बनाए रखना, खुद को कंट्रोल रखना, खुद के ऊपर विश्वास रखना, खुद को एक दायरे में रखना, एक संयम के साथ, धैर्य के साथ अपनी सफलता को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जीवन में सफलता पाना, कामयाब बनना हर एक का सपना होता है, लेकिन आप अपनी सफलताओं में इतना मशरूख ना हो जाओ, अपनी सफलताओं के प्रभाव से आप इतने मौज मस्ती में ना फंस जाओ कि आपको सही गलत का पता भी ना फिर रहे। तो हर एक के जीवन में ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है कि अपनी सफलताओं और विफलताओं के बीच में संतुलन बना के रखें कि जितना ज़्यादा प्रेरणा आपको अपनी सफलताओं से मिले उससे ज़्यादा कहीं आप प्रेरणा अपनी विफलताओं से लो, अपनी विफलताओं से सीखो ताकि वो आपके जीवन को एक दायरे में बांध के रखे और आप निरंतर फिर कोशिश करते रहो आगे बढ़ने के लिए और आपको जो सफलता हासिल हुई है उसे सही तरीके से मैनेज कर पाओ, हैंडल कर पाओ।